हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ साजेदा खान और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साजेदा खान में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फॉरएवर का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, ड्रीम बाय फॉरएवर। इस प्रोडक्ट की खास बात तो ये है कि ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। इसमें किसी भी तरह का केमिकल और गैस यूज़ नहीं किया गया है। जैसे हम आम तौर पर परफ्यूम लगाते हैं और हम परफ्यूम लगाने के कुछ ही समय बाद वो परफ्यूम की स्मेल निकल जाती है, लेकिन इस परफ्यूम को हम पूरे 12 घंटे तक इसकी स्मेल को महसूस कर सकते हैं। ये ओरिजिनल फूलों के अर्क से बना हुआ प्रोडक्ट है। आजकल हर इंसान को फ्रेगनेंस की ज़रूरत होती है, और वो फ्रेगनेंस क्यों ज़रूरी होती है? जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हैं, महंगी ज्वेलरी पहनी है, महंगी साड़ी पहनी है, और हम कहीं चले गए बाहर फंक्शन में या शादी में, हमने परफ्यूम नहीं लगाया, तो आपके कपड़ों से एक अजीब तरह की बदबू आने लगी और आपके पास कोई खड़े ही ना रहा, तो आपको किस तरह कैसा महसूस होगा कि शायद मैंने कुछ मिस कर दिया है? वो होता है एक फ्रेगनेंस। और जब हम केमिकल वाले फ्रेगनेंस यूज़ करते हैं, उसमें जो होता है केमिकल, और वो हम थोड़ी ही देर बाद उसकी स्मेल चली जाती है और उसके बदले बदबू आना चालू हो जाती है। तो उसमें हार्मफुल केमिकल होता है जो हमारी स्किन को डैमेज करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारी स्किन पे रैशेस हो जाते हैं। ये सब केमिकल वाले परफ्यूम से होता है। हम कितना भी महंगा परफ्यूम लाते हैं, उसमें गैस होती है, और वो कुछ समय बाद ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर पाते हम, उससे पहले ही वो फिनिश हो जाता है। लेकिन इस प्रोडक्ट को हम 1000 से भी ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कितना फ़ायदा है, और इसकी खुशबू रिलैक्स फील करवाती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि इसमें फूलों का अर्क यूज़ किया गया है, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर SMS कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको उसका आंसर दूंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साजेदा को अपनी दुआओं में याद कीजिए। बाय बाय।